प्रभु जी के भजन में। मंगल में गुरु के पद पंकज, मंगल में गुरु की प्रिय वाणी, मंगल में गुरु की दिनचर्या, मंगल में गुरु भक्ति बखानी, मंगल में गुरु के शुभ दर्शन, मंगल में गुरु की कीर्ति अमानी, मंगल में नख से सिखिलो गुरु मूर्ति वेद पुराण वन गुरु जी महाराज की। नमो 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 अस्तु इन शरण मम उर करो निवास। नमो नमो अस्तु इन शरण मम उर करो भान दुलारी को सोयस ब्रस भान दुलारी को तावत Okay.
निज पा
शीश धरूं, धरुणी विच स्वामिनी। हे ललते ललते अपना मोए बेसाखा बेसार नहीं, ब्रस भान सुता ये सुनाओ। एही कहीं मिल आली सकी, अब चरणन चेरी मोरे बनाओ। जय जय श्री राम, मेरी कृपा मई राधे, मेरी करुणा मई राधे, मेरी कृपा मई राधे, मेरी करुणा मई राधे, मेरी कृपा मई राधे, मेरी करुणा राधा 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 राधा।
दानी हो ध्यानी भय त्रकुरारी जाकी कृपा मिलती पे Yeah.
ये हमारे मकान मालिक है। ओ, कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के रहने वाले। दिल्ली के रहने वाले। हरे कृष्णा ओम ज्ञान निराम दस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। प्लस गुरुदेव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। आज हम लोगों का बहुत बहुत अच्छा दिन है क्योंकि ये जो महीना है इसका नाम से पुरुषोत्तम मास है। कहते ये महीना 3 साल के बाद में एक बार आती है। ये महीना हर साल नहीं आता है इसलिए साधारण लोग इसको मलमास कहते हैं क्योंकि हर महीना से कुछ दिन बचते बचते लास्ट में जो 3 साल बाद में वो एक महीना ज़्यादा हो जाता है इसलिए उसको लोग सबके सब मलमास कहते हैं। अभी मास तो 12 मास है। हर महीना में जैसे राधाष्टमी इसी महीना में, जन्माष्टमी इसी महीना में, होली इसी महीना में, गोवर्धन पूजा उसी महीना में, सब सब बांट दिया गया है। लेकिन जब ये अधिक महीना आता है इसमें कुछ भी नहीं आता है, हैं? इसलिए देखना अधिक महीना में आए तो कोई गृह प्रवेश नहीं करते, कोई शादी विवाह नहीं करते, कोई भी शुभ काम को मलमास में नहीं करते। इसलिए एक दिन ये मलमास दुखी होकर के ठाकुर जी के पास में गए, बोले प्रभु ये जीवन तो बेकार है, वैसे तो आता हूँ 3 साल के बाद में, फिर लोग मेरे को मलमास 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 कहते हैं, फिर आओ तो कोई शुभ काम भी नहीं करते, इसको कोई जीवन कहते हैं, इसलिए मेरे को खत्म कर दो जान से। लेकिन चूंकि वो भगवान की शरण में गए, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण में चले जाए कहते ना मंगल भवन मंगल है, कहते भगवान की शरण में चले जाओ तुम्हारे जितने दुर्गुण भी सुगुण हो जाता है, लेकिन तुम्हारे अंदर में जितने सद्गुण क्यों नहीं हो, अगर भगवान की शरण में नहीं जाओ ना वो सद्गुण भी जीरो ही है, वो सद्गुण भी कोई काम की नहीं, भले ही तुम्हारे अंदर में जितने सद्गुण क्यों नहीं हो, हैं? इसलिए मूल है भगवान की चरण में शरणागति होना। भगवान ने बोला कोई बात नहीं, जब तुम मेरे शरण में आ गया ना, जैसे मेरा नाम श्री पुरुषोत्तम देव है, आज से तुम्हारी नाम भी श्री पुरुषोत्तम महीना रूप में ख्याति होगा। अगर इसी महीना में जो संत लोग उतरेंगे तो बड़े आदर करेंगे, बड़े तुमको प्रेम करेंगे। इसी महीना में अगर थोड़ी सी कोई मेरी भक्ति कर ले, जैसे परिक्रमा लगाए, मेरा नाम ले, थोड़ी कीर्तन करे, एक गुण करे तो उसको 1000 गुण की फल होगी। इसलिए आप गोवर्धन जाओ, वृंदावन में जाओ, 1000 लोग परिक्रमा करते हैं, कहीं भागवत कथा, कहीं परिक्रमा, कहीं सत्संग। इसलिए इसी महीना में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान का वरदान है, इसी महीना में थोड़ी सी कोई करेगा तो उसको बहुत मिलेगा। इसलिए आज हम लोग ये पुरुषोत्तम महीना में श्री पुरुषोत्तम की कथा, पुरुषोत्तम भक्त लोग भी यहाँ पर है, इसलिए बड़े भाग्य से ये चीज जीवन में सत्संग मिलता है। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एको बार। कौन कह रहे हैं? शिव जी, शंकर जी। किसको कह रहे हैं? पार्वती, पार्वती को। जैसे कोई एरे गेरे व्यक्ति कोई बात बोले ना, उसको हम कोई महत्व नहीं देगा, इसकी बात का क्या महत्व है, लेकिन शंकर जी कह रहे हैं। शंकर जी कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। किसको कह रहे हैं? माता पार्वती, पार्वती को। एरे गेरे व्यक्ति को नहीं बोल रहे, पार्वती को कह रहे हैं। बोले पार्वती बड़ी किस्मत वालों को ये सत्संग प्राप्त होता है, मैं तो ये सत्संग सुनने के लिए कैलाश त्याग दे करके इसी भारत में मरते जगत में
श्री अगस्त मुनि की चरण में आकर के स्वयं बैठता हूँ, हाथ जोड़ करके मैं स्वयं ये सत्संग का लाभ मैं स्वयं लेता हूँ। ये शंकर जी स्वयं कहते हैं। हैं अब लोग शंकर अब रामायण पढ़े होंगे, जब सती ने शरीर त्याग दी उसके बाद में पार्वती बन करके आई, कठोर तपस्या उसने की, बेल वृक्ष को नीचे बैठी करके कठोर, लास्ट में बेल पत्ता तक आ रही थी, जब देखा शंकर जी खुश नहीं हुए, तुमने पत्ता भी छोड़ दिया, इसलिए उनका नाम पड़ गया अपर्णा। अपर्णा मतलब जो पत्ता तक भी खाना छोड़ दी। उसको बाद में फिर शंकर जी के दर्शन हुई, फिर शंकर जी को साथ में शादी हो गई। जब शादी हो गई ना, शादी को बाद में शंकर जी पार्वती से पूछते, बोले पार्वती ये बताओ तुमने मेरे को तुमने मेरे को पाने के लिए इतने कठोर तपस्या क्यों की है, इतने कठोर तपस्या क्यों की मेरे को पाने के लिए, लास्ट पत्ता तक भी तुमने छोड़ दिया खाना, और कितने हजार साल तक तपस्या की, किस लिए बताओ, तुम्हें क्या चाहती हो शादी के बाद में? अगर शादी के बाद में पति अगर पत्नी से पूछे तुम्हें क्या चाहते हो, अब क्या बोलोगे? बोलो चलो भाई हनीमून बनाने चलते हैं, कहीं घूमने चलते, नहीं तो मॉल में ले चलो घुमाने के लिए, वहाँ अच्छे से साड़ी भाड़ी जो कपड़े बपड़े गहना लता हम खरीदी करेंगे, स्त्री यही बोलेगी ना। लेकिन यहाँ पार्वती कहती है, बोले प्रभु केवल एक लोभ से आपको मैंने तपस्या की और पाने के लिए इच्छा की। बोले क्या लोभ है? बोले प्रभु मेरे को ठाकुर जी की कथा सुना, हमें ठाकुर जी की कथा सुनाओ, मेरे अंदर में जो अज्ञान है, मेरे को सती शरीर क्यों त्याग देना पड़ा, इसलिए मैंने भगवान राम की लीला को देखकर भ्रमित हो गया, ये क्या वही परम ब्रह्म राम ना कोई साधारण जीव है, क्योंकि जब रावण सीता को ले गया वो ढूंढ रहे थे कहाँ से थे कहाँ से थे कहाँ से थे, शंकर जी सत्संग सुनने के लिए अगस्त ऋषि को आश्रम में आए थे, अभी शंकर जी सती को लेकर कभी वापस जा रहे, कथा सुन करके जब जा रहे थे, कथा सुनने का फल किया, बोले ठाकुर का दर्शन, ठाकुर का दर्शन हो गया, प्रभु का दर्शन हो गया, बोले प्रभु का लीला में कोई व्याघात नहीं हो, इसलिए पार्वती को लेकर के परिक्रमा दूर से कर रहे थे। तब सती ने प्रश्न किया, बोले प्रभु आप किसको परिक्रमा लगा रहे हो, जिस परम ब्रह्म परात्पर तत्व भगवान की हमें कथा सुनाते हो, ये क्या वही ना कि साधारण कोई जीव है, हैं? और बोला विशेष कर जो पांच प है ना, आप उनको समझा नहीं सकते हो, हैं? पांच, बोले पांच प किया, पहले पहला नंबर पत्नी, दुनिया को समझाओ, अपना पत्नी को आप कुछ नहीं समझा सकता। बोले ये क्या, बोले इनको मैं समझाती रहती हूँ, हर समय गलती करते हैं। दूसरा प है पुत्री, सारा दुनिया को पढ़ाओ सुनाओ, लेकिन अपना पुत्री को नहीं आप समझा सकते हो। तीसरा प है पुत्र, चौथा प है परिवार, सारा दुनिया में इज्जत है लेकिन परिवार में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। पंचवा प पड़ोसी है, तुम्हारे जो पास में घर वाले, सारा दुनिया से मित्र देना, पड़ोसी में झगड़ा तुम्हारे है। और छठवा प है जो पाड़ा, पाड़ा मतलब ग्राम है, हैं? इसलिए शंकर जी समझाने के लिए कोशिश की, पार्वती बोली लिखी पड़ी हूँ ऐसे समझ जाऊंगी, थोड़ी लिखी पड़ी थोड़ी अनपढ़ हूँ, इसलिए उन्होंने उनको उन्होंने परीक्षा करने के लिए गए, तो फिर पता चला कि तो वही परम ब्रह्म परात्पर तत्व है, फिर उनको शरीर त्याग पड़ा। इसलिए पार्वती कहती है प्रभु मेरे को प्रभु जी की कथा सुनाओ, सुना करके मेरी जो अज्ञान है ये अज्ञान को दूर कर, ये अज्ञान को हमें दूर कर, ये अज्ञान को है। इसलिए इसलिए कहते जो सत्संगति है, शंकर जी कहते हैं सत्संगति दुर्लभ संसार, संसार में जो सत्संग है ये बड़ा दुर्लभ है, ये किस्मत वालों को ये सत्संग मिलता है। और जीवन में जो सत्संग हो जाए ना, क्या समझो, हमारी दुख कष्ट खत्म। और जब तक सत्संग नहीं होता है तब तक पुनर्विमरणम पुनर्विजनन, जब तेरे सन मरोगे जन्म लोगे मरोगे जन्म लोगे, 84 लाख जन्म में भटकते रहोगे, दुख कष्ट भोग करते रहोगे, तब तक। बोले कब तक? बोले जब तक तुम्हारी सत्संग में रुचि नहीं हो जाए, हैं? लेकिन सत्संग में जो रुचि होता है, फिर पता चलता मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, जाना कहाँ, जिसको अपना कह रहे हैं हमारे पिताजी, पिताजी गए कहाँ, एक दिन हमें भी याद छोड़ना पड़ेगा, फिर सब ये है कौन, सबके सब जिनको साथ में परिचय कर रहे कौन है, ये सत्संग से ही फिर पता चलता है हम कौन है। बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सबके सब उनकी संतान है, भगवान की बच्चे हैं। पर भगवान के बच्चे तो क्या करना, पर भगवान की भक्ति करना, और भगवान की भक्ति से ही जीवन में सुख शांति केवल प्रभु की भक्ति से ही मिलेगा।
और किसी चीज से ये, इसलिए मैं जो वेदांत का पहला सूत्र है कहते अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसमें तीन अर्थ तीन वार है, अतः अतः ब्रह्म जिज्ञासा तीन बार आया है। इसका मतलब क्या, अतः मतलब क्या, हम जगत में सब के सब संसार में सुख ही चाहते हैं, कोई दुख चाहते हैं संसार, दुख चाहते हैं संसार नहीं, लेकिन ये दुख बिना बुलाया आता ही नहीं, बिना निमंत्रण के आता ही नहीं, कोई निमंत्रण देता है दुख घर में आप, लेकिन नहीं देते हैं, लेकिन बगैर निमंत्रण से आता है घर में, है फैल भी आ जाती है। इसलिए बोले अतः मतलब है जीव स्वाभाविक रूप में शांति सुख आनंद चाहता है, लेकिन फिर मिलता नहीं कि बोले अतः, अतः मतलब होता है जहां हमें सुख ढूंढने चाहिए हम वहां नहीं ढूंढ कर गलत जगह पर ढूंढ रहे। उदाहरण दिया, एक बूढ़ी माता जी थी जो मेन रोड में दो घंटा से कुछ चीज को ढूंढ रहा था। एक व्यक्ति ने कहा माता जी यार एक दो घंटा हो गया मैं देख रहा हूँ क्या ढूंढ रहे हो। बोले मेरे कहीं सुई कहीं खो गया है। बोले सुई कहाँ खो गया, बोले घर में। बोले ये रोड में क्यों ढूंढ रहे हो, जहाँ जहाँ खोया वहीं तो ढूंढो, तो खोया तो घर में, तो रोड में क्यों ढूंढ रहे हो। हाँ एक चीज को समझो, इसलिए ब्रह्म सूत्र कहते हैं दुख का मूल कारण क्या है, क्यों संसार में कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई काम से दुखी, दुखी दुखी है इस संसार में, दुखी दुखी वो कर, कारण क्या है। कारण केवल एक ही गलती हमारी हो गई, हम जो भगवान की जो संतान है जिनके चरण में अशोक अभय और अमृत है, उनके चरण को छोड़ करके हम जो सुख ढूंढ रहे गलत जगह पर संसार ढूंढ रहे, कहा ये दुनिया में, ये संसार में सुख ढूंढ रहे। ये संसार तो अनित्य नश्वर है, भगवान खुद कहते हैं ये संसार दुख का घर है, जहाँ दुख तुम वही सुख ढूंढ रहे हो, और सुख जहां पर वहां नहीं ढूंढ रहे हो हैं, उसको तो छोड़ दिया पीछे कर दिया हैं, वो चीज को हम पीछे कर दिया जिसमें शांति सुख है, लेकिन जिसमें है ही नहीं केवल दुख ही दुख है बस उसको पीछे। इसलिए बोले ब्रह्म जिज्ञासा, फिर सुख कहाँ पर है, बोले ब्रह्म में, भगवान में, जो आनंदमय रस स्वरूप, जो प्रेम स्वरूप है, इसलिए उनके चरण में सुख उनके चरण में है, इसलिए जब तक उनके शरण में नहीं जाएंगे तब तक ये सुख शांति हमें मिलने वाले नहीं। इसलिए ये जो महीना है ये पुरुषोत्तम महीना है, ये महीना की सबसे ज्यादा महत्व है। इसलिए भागवत में एक श्लोक सुन लेते हैं, इसलिए कहते हैं नव नैमी नवजोगंद्र संवाद है, उसमें कहते हैं एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत प्रपाणी। अब एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कृत्वा जातानुराग कृतचित उच्चैः हसत्यत रोदतिरौति गायति हनुमात्मन लोकवाच्य। इसमें श्री नवजोगेंद्र, इसमें जो कवि हवि अंतरिक्ष है उनको श्री वसुदेव महाराज प्रश्न कर रहे हैं, नेमी महाराज प्रश्न कर रहे हैं ये आत्मा को शांति मिलेगी कैसे। प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, इनका ये प्रश्न है। इसलिए इसमें ये बता रहे हैं कि आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब जीव भगवान की शरण में जाएगा, लेकिन भगवान की शरण में जाकर क्या करेगा, पहले तो गुरु का चरण को आश्रय ग्रहण करेगा, फिर गुरु जी के उपदेश के अनुरूप भगवान की भक्ति करेगा। भक्ति करते करते विशेष करके कलयुग में जो भगवान की भक्ति करेंगे कैसे, बोले कलयुग के बोला नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा,
कलयुग में भगवत प्राप्ति का केवल एक उपाय है, भगवान का नाम। और जब तक जीव प्रभु को प्राप्त नहीं कर लेता है, भले ही सारा दुनिया की जितने कुछ प्राप्त कर ले, उसको शांति सुख नहीं मिलेगी। इसलिए ये श्लोक में कहते हैं एवं व्रत, मतलब है कहते हैं जीवन में व्रत किस चीज को बनानी चाहिए, बोले भगवान का नाम को ही जीवन का व्रत बना दो, हैं? क्योंकि नाम को द्वारा ही भगवान मिलेंगे। और भगवान कलयुग में अपना नाम रूप में ही भगवान कलयुग में आए हैं, इसलिए कलयुग में भगवान का नाम का व्रत बनाओ। एवं व्रत, बोले कौन सा नाम, बोले सो प्रिय, अपना प्रिय नाम। हमारा अपना प्रिय नाम क्या, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपना प्रिय भगवान की हरे कृष्ण महामंत्र हमारी ये प्रिय नाम है। लेकिन भगवान का नाम तो जीवन का व्रत बनाओ, लेकिन आप देखना दूसरे चीज में तो हम रुचि लग जाते, लेकिन नाम करने के लिए बैठना मन नहीं लगता। टीवी देखो तीन तीन घंटा बैठ करके मूवी देख लेंगे, अगर जिसका इधर उधर की बात करो घंटा घंटा कहीं बीत जाएंगे, अगर किसका चुगली करो तो इससे तो बड़ा स्वाद जगत में कुछ है ही नहीं, उसमें घंटे घंटे बीत जाते हैं। लेकिन किसको बोलो थोड़ा माला लेकर बैठो, बस माला लेते ही मन इधर उधर भटकना शुरू कर देता है, इधर उधर भागना शुरू कर देता है मन, है जो असली चीज उसमें मन हमारी नहीं लगती, नकली चीज में मन लग जाती। इसलिए यहाँ पर कहते हैं फिर क्या करनी चाहिए, इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं स्याद कृष्ण नाम चरित अभित रसना सुनना रुचिकानो। मतलब है जैसे मिश्री मीठा है, मिठा है ना, लेकिन मिश्री भी किसी किसी को कड़वा लगता है, किसको लगता है, जिसको पीलिया जंडिस का बीमारी हो जाए मिश्री भी उसको लगता है कड़वा लगता है, लेकिन डॉक्टर क्या बोलते हैं, बोले देखो मिश्री चूसा करो, पहले तो तब इतना नहीं होता था, मिश्री चूसा करो, लेकिन मिश्री तब मीठा लेकिन तुमको मीठा नहीं लगेगा, अभी कड़वा लगेगा, लेकिन इसको छोड़ना नहीं, चूसो उसको, चूसते 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 धीरे धीरे कड़वा खत्म हो जाएगी। जब मिश्री फिर मीठा लगने लग जाए समझना बीमारी तुम्हारी सही हो गया, बीमारी तुम्हारी सही हो गई। तब उसी तरह भगवान का जो नाम है इससे मीठा जगत में कुछ भी नहीं है, इसलिए बोले मधुरम मधुरम बेतर मंगलम मंगला नाम, भगवान का नाम मीठे से मीठे मंगल से भी मंगल है। लेकिन अभी हमको मीठा नहीं लगता, करना क्या, मन नहीं चाहने पर ही भगवान के सामने बैठो, माला लेकर के ठाकुर के सामने बैठो, मन नहीं करेगा हैं, मन तो करके इधर उधर भागे हैं, मन नहीं करेगा, लेकिन क्या करो, नहीं चाहने पर भी जोर जबरदस्त, जैसे बच्चे हैं, पहले जो बच्चे थे अब तो बड़े हो गए, जब इसको स्कूल भेजते थे बच्चा जाना चाहता था रोते थे, पिता माता क्या करते थे, टफी जूता इधर उधर कुछ, बेटा जाओगे तो ये मिलेगा, फिर जोर जबरदस्ती पेपर आ जाए फिर बच्चा पढ़ना तो करो, करते करते क्या होगा, तुम्हारी जो जंडिस जो बीमारी है वो धीरे 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 वो खत्म होती जाएगी, फिर खत्म, जितना बीमारी तुम्हारी खत्म होती जाएगी हाँ, जितने पाप तुम्हारी खत्म होगी, फिर भगवान का नाम उतना मीठा लगने लग जाएगा, फिर इतना मीठा लगेगा फिर तुम छूटेगा नहीं, फिर तुम सोचोगे कब थोड़े से समय मिले थोड़े से माला लेकर के प्रभु का भजन करें। हाँ इसलिए बोले भगवान का नाम कैसे, महाप्रभु बोले प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, भगवान का नाम में इतने मीठा, इतने मीठा भगवान के नाम, प्रतिपद पद में एक नई नई रस आस्वादन होता है, एक नई नई रस। लेकिन जगत में कोई चीज बढ़िया से बढ़िया चीज हो लेकिन दो दिन बाद में फीकी हो जाती, सिनेमा आया बढ़िया कोई मूवी आई एक बार देख लिया कैसे, बोले बहुत बढ़िया, दो बार देख लिया बोले कैसा ठीक है, तीसरा बार लेकिन ठीक है, चौथा बार देखा नहीं जाएगा, देख लोगे ना पंचावन बार तो बैठ ही नहीं सकते वहां पर, है ना, जैसे न्यूज पेपर आए एक दिन बढ़कर दूसरे दिन उसको कोई देखता है, कोई नहीं देखता है चीज को। इस जगत में कोई भी चीज देखो हर चीज आनंद नीचे उतरेगा, कभी ऊपर है, जैसे नया शादी होती है पहले पत्नी कैसे लगती है, चंद्रमुखी, एक चंद्रमा ऊपर में दूसरे चंद्र हमारे पास में, वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में ना फिर तो सूर्यमुखी बन जाती है, फिर ज्वालामुखी होकर फिर लड़ाई झगड़ा अशांति, फिर तरह तरह का बात मिटंडा। जगत में कोई भी तुम चीज देखो नई नई हर चीज अच्छी लगती है लेकिन बाद में फिर वो चीज फीकी पड़ जाती है, अच्छी नहीं लगती है,
लेकिन भगवान की भक्ति ऐसे नहीं, भक्ति बढ़ते रहती है, हर समय भक्ति बढ़ते रहेगी, प्रति कदम कद हर पद पद में एक नई रस को आस्वादन होता। कारण क्या? भगवान रस स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप भगवान और उनका नाम है। इसलिए कहते हैं द्रुत चीत उच्चई। फिर जब भगवान का नाम ग्रहण करते हैं ना, हमारा जो हृदय, फिर हृदय द्रवीभूत तो होने लग जाता है। हृदय जब द्रवीभूत तो अगर पिघलने लग जाती है, फिर क्या होगा? भगवान की सारे लीला हृदय में प्रकट होता है। इसलिए बोले हसत्यथ, फिर हंसने लग जाते हैं। बोले क्यों? बोले प्रभु की बड़ी मधुर मधुर लीला उनके हृदय में दर्शन मिलता है, इसलिए क्या करते हैं? हंसने लग जाते हैं। तो उसको उदाहरण देते क्या लीला प्रकट होता है, तो एक उदाहरण देकर समझाए। बोले एक समय कृष्ण किसी गोपी के घर में मक्खन चोरी करने के लिए गए। जब चोरी करने के लिए गए, गोपी सोच रही हैं कृष्ण तो आते हैं मक्खन चोरी करने के लिए, लेकिन एक झलक का दर्शन होता फिर चले जाते हैं। आज तो कृष्ण को बांध करके रखूंगी और पूरा पास में बैठ करके ना खूब जी भर करके उसको निहारती रहूंगी। इसलिए गोपी मक्खन का मटकी वहां धर दी और घर की कोने में छुप कर बैठी। आज लाला को मैं बांध कर रखूंगी। कृष्ण आए, इधर उधर देखा, देखा कोई नहीं, मक्खन खाने लगी। भूख तो खुश हो गई, आज जिनके लिए हमने मक्खन बनाया उस स्वयं मक्खन खा रहे, बड़ी खुश हो गई। जब उसने मक्खन खा लिया ना, झट जाकर हाथ पकड़ लिया। बोले कहाँ जाओगे? हैं, आज तुमको बांध कर रखूंगी। कृष्ण बोले गोपी आज छोड़ दे, मैं तो सोच रहा था अपना घर में खा रहा था। बोले अपना घर में खा रहे थे, चलो बांध कर रखूंगी। कृष्ण को लेके बोले खंभे में हाथ रखो। अभी कृष्ण खंभे में हाथ रखे, अपना चोटी से जो रिबन उसको निकाल करके जब बांधने के लिए गई, भगवान का हाथ तो बड़े कोमल, बड़ा मीठा है, लेकिन किससे बचाए, बांधने में नहीं आए। कृष्ण कहते गोपी कभी जिंदगी में तू कभी बंधी गई कि नहीं? बोले नहीं। बोले जब बंधी नहीं जाओगे बांधोगे कैसे, सीखोगे कैसे? बोले तेरे को क्या बांधना आता है? बोले और क्या? बोले सिखा दे। बोले हाथ रख, अभी तेरे को सिखाता हूँ। वो गोपी हाथ रखी, कृष्ण एक लपेट, दो लपेट, एक गांठ, दो गांठ, गुड़ गांठ अच्छे तरह से बांध दी। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़ा सुंदर बांधना आता है। बोले और क्या? तेरी बात छोड़ दे, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी को, योगियों को भी अपना प्रेम में बांध देता हूँ, जिसको बांध देता हूँ ना। बोले कन्हैया खोल दे। बोले गोपी में तो कभी अभी तो किसी को खोलना सीखा ही नहीं, मैं तो सबको बांधना ही सीखा। बस कृष्ण ना दो ग्यारह हो गए। हाँ, जब उन्होंने ये लीलाओं को दर्शन करते हैं, बोले हसत्यथ, देख करके हंसने लग जाते हैं, हाँ हाँ करके रोदती करके भी रोते हैं। बोले रोते हैं क्यों? कृष्ण दर्शन दिया, उसमें आनंद हुए, हंसे, लेकिन कृष्ण जब हृदय से पर अंदर ध्यान हो जाते हैं, फिर रोने लग जाते हैं। कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण कहाँ चले गए, कितने आनंद मिला कृष्ण दर्शन में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कितने आनंद कृष्ण दर्शन में, उदाहरण देते हैं, कहते इतना आनंद है कृष्ण दर्शन में, पृथ्वी में जितने सारे आनंद है सभी का हृदय में थोड़ी थोड़ी आनंद है कि नहीं? सबके हृदय में थोड़ी थोड़ी आनंद, पृथ्वी में जितने लोग उनका हृदय का सारे आनंद में इकट्ठे कर दो। कहते कृष्ण दर्शन में कितना आनंद, कहते जैसे कि समुद्र है, एक समुद्र है, समुद्र का एक बूंद पानी लो, एक बूंद पानी को सामने कहते विश्व ब्रह्मांड का जितने आनंद है, कहते वो आनंद भी कृष्ण दर्शन का एक बूंद आनंद को सामने बराबर नहीं कर सकते, इतने आनंद कृष्ण दर्शन में। इसलिए जब दर्शन देकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं, फिर वो रोने लग जाती है, कृष्ण कहाँ चले गए। फिर कृष्ण जब उसको रोना देखते हैं, रोना देख करके फिर कृष्ण जब ज्यादा रोने लग जाते हैं, कृष्ण विरह में शरीर छोड़ देंगे, फिर कृष्ण फिर दोबारा दर्शन देते। जब दर्शन देते मिले नृत्य थी, फिर वो नाचना शुरू कर देते, कृष्ण दर्शन मिल गया। इसलिए कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी जमीन पर लोट पोट खा कर कृष्ण प्रेम में डूब जाते हैं। कैसे होगा? हरि नाम से, हरि नाम से। इसलिए कलयुग में भगवान नाम रूप में आए, इसलिए हमें क्या करनी चाहिए? उठते बैठते सोते नाम लेनी चाहिए, और विशेष करके कुछ माला में बैठ करके माला में हरि नाम करनी चाहिए। ठीक है ना? माला करती कि नहीं? हाँ, देखो हमारे बड़े गुरु जी कहते थे 100 काम छोड़ करके अपना भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके अपना काम करो, कहते करोड़ों काम छोड़ करके भगवान के भजन करो। क्योंकि हम जीवन में जो कुछ कर रहे हैं
इसका मूल उद्देश्य शांति सुख है कि नहीं? किसके लिए पढ़ाई इतना क्यों कर रहे हो? क्यों इतना कले जाती हो? हाँ, क्यों 10-10 घंटा पेपर आने पर 10 घंटा क्यों पागल बनकर क्यों पढ़ते हो? नौकरी करोगे ना, नौकरी करके पैसा कमाओगे, पैसा क्यों कमाओगे? शांति के लिए। जिनको नौकरी मिल गया तुम पूछ लो तो सुखी हो संसार में, किसको पूछ लो जाकर भी सुखी हो? कोई बोलेगा नहीं हम सुखी है, सब दुख दुख कष्ट में भोग कर रहे हैं। इसलिए दुनिया का कोई भी विश्व ब्रह्मांड का सारे रुपया अगर मिल जाएगा ना वो तुमको शांति नहीं दे सकते। बिल गेट का नाम सुने, कितना अरब खरब का मालिक था, वो शांति में था कोई हैं? इसलिए कोई ये था आएगा ना जो कि जिसने सारा दुनिया को जय किया था, उसका नाम सिकंदर ना। इसलिए उसने लास्ट में क्या बोला, कितने पैसा को इकट्ठा किया, बोले मेरे 3 ख्वाहिशें पूरी करना। बोले क्या है? बोले जब मेरे मर करके शरीर छोड़ जब ले जाओगे दोनों हाथ को ऐसे कर देना। बोले सिकंदर दिखाया, इतने तुमने पैसा लुटाया, एक भी पैसा तेरे साथ में नहीं गया, और जितने पैसा मैंने इकट्ठा किया उसको रास्ता में बिछवा देना सबके सब हैं, जब चल करके जाएगी। मतलब ये कोई भी चीज तेरे साथ में कोई जाने वाले नहीं, सब तुमको यही छोड़ कर जाना पड़ेगा, सारी यही चीज, और ये चीज तुमको कोई सुख देने वाले नहीं। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में जब एक व्यक्ति मरते हैं क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोले गत्य है, सब कोई बात झूठा है। ये भगवान के नाम के सिवाय तुमने जो कुछ किया, जितने डिग्री फिग्री किया तुमने है, महाप्रभु केशव काश्मीर को कहते हैं जो इतना बड़ा विद्वान, सारा दुनिया को जय किया, जब महाप्रभु परास्त किया, सरस्वती स्वयं कहती हैं, कहते मेरी 2 तरह का कृपा है, जिसको मैं सही कृपा करती हूँ ठाकुर के पास में पहुँचा देती हूँ, जिसको सही कृपा नहीं करती हूँ कि जगत का एक डिग्री दे करके PhD जो कुछ पढ़ाई करते हो CA करके उसको संसार में गधा बना देती हूँ, दिन भर संसार में गधे जैसे काम करते रहो, ये स्वयं सरस्वती कहती है। और जिसको कृपा करती हूँ ठाकुर के पास में मिला देती हूँ, महाप्रभु स्वयं मेरे पति है, इसलिए जाओ उनके चरण में शरणागत हो। जब महाप्रभु के पास में गए, महाप्रभु क्या बोले, बोले विद्या पढ़े के ना, बोले क्यों पढ़ाई कर रहे हो? विद्या मतलब वेद मतलब जानना है, क्यों पढ़ाई कर रहे हो? बोले भगवान को जानने के लिए, यदि वो चीज नहीं हुआ विद्या क्या करेगा, मरते समय सारी डिग्री तुम्हारी यही रह जाएगी, कोई डिग्री विग्री नहीं जाएगी इतना जो पढ़ रहे हो। वो बोले कि राम नाम सत्य है, जितना हरि का नाम लिया वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया तुम यही छोड़ करके जा रहे हो, सारी डिग्री विग्री यही रह जाएगी तुम्हारी, समझे रहे ना। लेकिन अभी लड़कियों का जो बड़ा इच्छा ना बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनेगी, अब पता होगा बिहार का जो कोई हीरो था ना उसको कोई हीरोइन ने ड्रग देकर मार दिया, क्या नाम उसका था, इसलिए सब हो रहा है, ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, हम बच्चे चाहते हैं बॉलीवुड में जाए, सब यही गंदा काम वहाँ पर होता है, हाँ ड्रग फ्रग देकर मरवा देते हैं और उल्टा पुल्टा सब काम करते हैं, हैं? इसलिए हीरो अगर बनना है ना, हैं? हीरो बनना तो भगवान की भक्त बनकर, हनुमान जैसे हीरो बनो, तुलसीदास जैसे हीरो बनो, ऐसे हीरो बनो जो कि दुनिया में सारा जीवन जब तक रहेगा तुम्हारे नाम लोग लेते रहेंगे। हनुमान जी कब आए बताओ, करोड़ों साल पहले आए हनुमान जी, अभी भी घर घर में पूजा हो रही। ध्रुव प्रहलाद कब आए, सत्य युग में करोड़ों साल पहले आए, अभी भी घर घर में पूजा हो रही है। श्रीदेवी का नाम सुनो, मर गई 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 दुनिया में बाथरूम में खत्म हो गई है। इसलिए यह शिक्षा देते हैं महाप्रभु को, राय रामानंद महाप्रभु को प्रश्न किया, जगत में सबसे बड़ा जस क्या है? जो कृष्ण भक्त बोल करके जिसका जगत में ख्याति होता है, ये जस असली जस है। ये भागवत जब सारा दुनिया जब ध्वंस हो जाएगा, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, ये भागवत नष्ट नहीं होगा, फिर भगवान के पास में ग्रंथ चली जाती है, फिर जब सृष्टि नया होता है फिर ग्रंथ आता है, फिर उनके नाम ध्रुव प्रहलाद मीरा सब के नाम फिर आएगा, हनुमान का नाम फिर आएगा। इसलिए जगत का सारी डिग्री फिग्री यही खत्म वर्ण। लेकिन अगर भगवान के भक्त अगर तुमने कभी बन गई, अगर ये डिग्री को प्राप्त किया ना, ये डिग्री कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए क्या करो, शांति पढ़ाई से नहीं मिलेगी, नौकरी से नहीं मिलेगी शांति, शांति मिलेगी भगवान की भक्ति से। एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि पिंजरा है, पिंजरा के अंदर तोते हैं, लेकिन तुम तोते को खाना नहीं खिलाते, दिन भर पिंजरा को पेंटिंग करते रहो,
बताओ तोता जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, इसलिए आप शरीर को ब्यूटी पार्लर में ले जाएगी, शरीर को सजवाएगी, लेकिन इसके अंदर में जो आत्मा है ना, वो असली है पिंजरा में जो आत्मा, उसको खाना नहीं खिलाओगे। इसका खाना क्या? शरीर के लिए तो रोटी सब्जी खा रहे हो, उसका खाना भगवान की भक्ति नाम, उसका खाना अगर उसको नहीं खिलाओ तो खत्म हो जाएगी। इसलिए उसको खिलाओ, दिन भर पिंजरा को पेटिंग मत किया करो, है? इसलिए उसका नाम भगवान भजन करो, हरि नाम करो। इसलिए खाने से पहले ठाकुर को सामने बैठ करके इतना सुंदर ठाकुर जी है, बैठ करके हरि नाम करो, भजन करो, भक्ति करो, फिर दिन भर करो ना जो पढ़ाई पढ़ाई कर रहे करो, ठीक है? हाँ, भजन करो, भजन के बगैर सब जीरो है, कोई महत्व नहीं किसकी। बोले से वृंदावन हरि लाल की जय, प्रसाद लिया प्रसाद एक बार पाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल। जय श्री श्री गुरु ब्रह्मानंद प्रकाश कर राधा बृंद बिहारी की जय। त्रिलोक की भक्ति करो सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। त्रिलोक की भक्ति करो सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जय। आनंद गौरव।